अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से बनने वाला शीर खुरमा। तो चलिए फ्रेंड्स, किस तरह आज हम शीर खुरमा बनाएंगे देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन रख लिया है, उसमें मैंने थोड़ा घी डाला है। घी को आप थोड़ा बढ़ा कर भी डाल सकते हैं। मैंने 2 स्पून तक का ही घी डाला है फ्रेंड्स। घी डालने के बाद मैं यहाँ पर थोड़े बादाम डाल रही हूँ, जो छिलका उतार कर इसे मैंने बारीक से कट कर लिया है। और इसी में ही मैंने थोड़े काजू भी डाल रही हूँ। और यहाँ पर खजूर है, जो मैं पानी में भिगो कर इसे बारीक से कट कर लिया है। और किशमिश डाल रही हूँ थोड़ा। ये थोड़ा अच्छे से हमें भून लेना है ड्राई फ्रूट्स को। इसे भूनने के बाद आप एक प्लेट में निकाल कर सेमियन को इसी में ही फ्राई कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ही बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेमिया को डालकर अच्छे से रोस्ट कर ले रही हूँ। आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर सेमिया को रोस्ट कर लीजिए। और देखिए, दूध हमारा अच्छे से पकने शुरू हो चुका है, मलाईदार बन चुका है। दूध को अच्छे से उबालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर डालने के बाद हमें तुरंत ही यहाँ पर जो सेमिया रोस्ट करके हम रखे थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इसे डालकर अच्छे से हमें मिला लेना है। और इसी में ही मैं मावा यानी खोया डाल रही हूँ। आप चाहे तो खोए के बदली मिल्कमेंट भी डाल सकते हैं, या बिना खोया बिना मिल्कमेंट के भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक कटोरी भर के मावा डाल रही हूँ। आपके घर में मलाई है तो मलाई भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर 2 से 3 इलायची को मैंने अच्छे से कूट कर डाल चुकी हूँ। आप चाहे तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को हम सिर्फ 2 मिनट तक का ही पकाना है, ज़्यादा मत पकाना फ्रेंड, नहीं तो बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा हमारा शीर खुरमा। देखिए, अब ये ठंडा होने के बाद ऐसा हो चुका है, देखिए कितना करेट आ चुका है। अब मैं एक बर्तन में इसे निकाल दूंगी शीर खुरमे को। अगर आपको मेरी आज की ये सिंपल वाली रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।